Hey guys, what's up and welcome back to another video guys. So guys, कुछ दिन पहले मैंने अपने Instagram पर एक पोस्ट डाली थी चिल कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोग ने काफी ज्यादा उसको पसंद किया एंड बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वो फोटो लग रहा था। तो आज फाइनली मैं आपके लिए उसका फुल ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ डिटेल के साथ, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जो कि आप काफी दिनों से मांग रहे थे कि पिक्सआर्ट में सिखाओ। तो फिर फाइनली मैं आपके लिए पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो फिर बस आपको क्या करना है, फुल ट्यूटोरियल देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें एंड इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलने वाला है। तो फिर बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू इट। ओके ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपको तीन फोटोज क्लिक करना है। सबसे पहला जो फोटो है वो फ्रंट का कुछ इस टाइप से आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फोटो आपको लेना है अपनी बैक का, जो कि वहां पर मिरर हैं काफी सारे तो इसलिए हमको तीन फोटोज चाहिए। तो ये बैक का फोटो इस टाइप से आप क्लिक कर लें एंड तीसरा फोटो आप साइड का क्लिक कर लें एंड अब देखें आप इसका बैकग्राउंड। तो गाइस फोटो का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से है, ये गर्ल खड़ी हुई है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है एंड पीछे मिरर लगा है तो बैक इसकी दिख रही है एंड यहाँ से दिख रहा है इसका साइड। तो इसी टाइप से हमको सेम रियलिस्टिक में मैच करना है सब कुछ, तो इसीलिए हमको तीन फोटो वैसे क्लिक कराना है। तो आप भी वो करा लें। फोटो क्लिक कराने के बाद गाइज इस बैकग्राउंड को हम शेयर कर देते हैं सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम चलेंगे प्लस वाले आइकन में ऐड फोटो में। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम अपना बैक साइड लेंगे कटआउट एंड यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद सबसे पहले हम इसको बैक वाला जो मिरर में हमारा बैक साइड दिख रहा है, सबसे पहले इसी को ऐड करेंगे बहुत अच्छे से एडजस्ट करना। एंड गाइज आप ये देख सकते हैं मैंने बैक साइड अपनी ऐड कर दी है। अब हमारी बारी आती है फ्रंट साइड की, तो सबसे पहले प्लस आइकन में जाएंगे एंड गाइज ये रहा हमारा फ्रंट का कटआउट। इसको हम जैसे हमने बैक लगाया है अपना उसके हिसाब से एकदम अच्छे साइज एडजस्ट करना है। ओके गाइज, तो हमने ये सेट कर दिया, हम राइट पर क्लिक कर दिए हैं। अब गाइज बारी आती है यहाँ पर हमारा एक पार्ट और दिखेगा यहाँ पर, तो हम ऐड फोटो में फिर से चलते हैं एंड ऐड फोटो में चलने के बाद जो हमारा थर्ड फोटो है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा थर्ड फोटो, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइज हम इसको मिरर साइड पलट देंगे एंड पलटने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमको एडजस्ट करना है। ओपेसिटी को हल्की करके हम देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा। एंड गाइज वापस से हम ओपेसिटी को बढ़ा देंगे एंड इसके बाद हम जाएंगे इरेजर में। इरेजर में जाने के बाद हम कर देंगे यहाँ से इन्वर्ट एंड इन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से रिस्टोर करेंगे। तो ब्रश हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से हम रिस्टोर कर लेंगे। ओके गाइज, तो हमने तीनों जो हमारे फोटोज थे उनको हमने सेट कर दिया है। हम राइट पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से ये हो जाएगा डन। अब डन करने के बाद हमारे फेस की टोन एंड जो बैकग्राउंड की टोन है उनसे कुछ भी कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हम अपने फेस वगैरह की टोन एंड जो हम कैप पहने हुए हैं इसका कलर भी उस ब्लैक से मैच कर देते हैं एंड उसके बाद बहुत ही अच्छा हमारा फोटो लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने कैप के कलर को मैच करते हैं, एकदम ब्लैक कर देते हैं। तो टूल्स वाले ऑप्शन में चलेंगे एंड यहाँ से एडजस्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे। यहाँ से हमको मिलेगा सैचुरेशन। सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस करने के बाद गाइज हम इसकी हाइलाइट्स को भी माइनस कर देंगे एंड जो ब्राइटनेस का ऑप्शन शेडोज़ का ऑप्शन है इसको भी हम हल्का सा माइनस करेंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे रेजर में एंड इन्वर्ट कर देंगे इसको। इन्वर्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमने कैप पहने हुए हैं वहाँ वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। ओके गाइज, तो हमने अपने कैप के कलर को एकदम ब्लैक कर दिया है। अब बारी है हमारे फेस टोन को मैच करने, तो फिर से टूल ऑप्शन में जाएंगे एंड जाने के बाद गाइज एडजस्ट ऑप्शन में हम चलेंगे एंड इसमें इस बार हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टेम्परेचर का, जिसमें कि हमको टेम्परेचर प्लस की साइड बढ़ा देना है। एंड बढ़ाने के बाद गाइज हम इरेजर पर जाएंगे एंड फिर से इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम अपने फेस पर जहाँ भी हमारे फेस की स्किन दिख रही है वहाँ पर इसको हम अप्लाई कर देते हैं।
ओके गाइस, अप्लाई करने के बाद अगर आपका फेस टोन मैच ना हो तो आप टेम्परेचर को और बढ़ा लें, एंड उसके बाद आप ह्यू को भी इधर से उधर करके देख सकते हैं। एंड जैसे ही आपका फेस टोन अच्छे से मैच हो जाता है तभी आप इसको, तो गाइस यहां से हम सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एंड इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर राइट पर क्लिक। एंड गाइज अब हम करेंगे अपने फेस को स्मूथ, तो सबसे पहले हम चलेंगे इफेक्ट ऑप्शन में, एंड यहाँ से आने के बाद हम जाएंगे ब्लर में, एंड ब्लर में आने के बाद हम ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, एंड ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद गाइज हम इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट फिर से कर देंगे, एंड हम अपने फेस पर इसको नॉर्मली अप्लाई कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को आप कम कर लें, एंड इसके बाद आप अपने फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई कर दें। ओके गाइज, यहाँ पर ये अप्लाई होने के बाद राइट पर हम फिर से क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद इस बार हम थोड़ी सी डोज एंड बर्न भी यहाँ पर डाल देंगे। तो टूल्स ऑप्शन में चलते हैं, एडजस्ट ऑप्शन में चलेंगे, एंड इसके बाद हम हल्की सी यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद इरेजर पर जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, एंड इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करने के बाद, हार्डनेस वगैरह कम करने के बाद यहाँ पर हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करेंगे कुछ इस टाइप से। सो गाइस काफ़ी अच्छा ही लगेगा इफेक्ट, एंड इसके बाद हम कर देंगे राइट पर क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे टूल्स ऑप्शन में, एंड यहां से हम क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो नीचे का पार्ट हमारा बेकार हो चुका है इसको हम क्रॉप कर लेंगे अच्छे से, एंड साइड से यहां से भी हम इसको क्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम कर देंगे राइट पर क्लिक, एंड अब हमारी बारी है मेन काम की, जो कि हमको करना है इसको रीटच बहुत अच्छे से, तभी इसमें टोटल रियलिटी ऐड होगी। तो सबसे पहले हम इस इमेज को कर लेते हैं ड्रॉ में जाकर सेव, एंड सेव करने के बाद अब हम ओपन करेंगे अपना लाइट रूम। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में, एंड अब हमारी बारी है इसको बहुत अच्छे से रीटच करने की। तो रीटच करने के बाद ही हमारे फोटो में बहुत अच्छी रियलिटी आएगी। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, कलर्स वाले ऑप्शन में चलेंगे, एंड इसकी टोन को हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि गाइस मेरे कोट में आ रही है टोन ब्लू, तो इसकी सैचुरेशन हम माइनस कर देंगे। सेकेंड जो लड़की है उसके ब्लैक क्लॉथ्स में आ रही है ग्रीन कलर की टोन, तो ग्रीन में जाएंगे एंड इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे। देन आप देख सकते हैं अभी हमारे क्लॉथ्स काफ़ी ज़्यादा मैच हो चुके हैं। अब गाइज हमको क्या करना है, येलो टोन में जाकर इसकी ह्यू को माइनस की साइड लेना है, एंड हल्की सी इसकी सैचुरेशन माइनस करनी है। अब हमको जाना है फेस टोन में, इसकी भी सैचुरेशन हमको हल्की सी माइनस करनी है। देन अब गाइज हमको यहां से डन करने के बाद चलना है इफेक्ट ऑप्शन में, स्प्लिट टोन में। स्प्लिट टोन में आने के बाद हमको शेडोज में एक ये वाली टोन, वार्म टोन ऐड करनी है, एंड वार्म टोन ऐड करते ही गाइज हमारे फोटो का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको बिफोर एंड आफ्टर एकदम रियलिस्टिक रीटच हो चुका है गाइज। एंड गाइज इसमें आप अगर डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो शार्पनिंग वगैरह को ओपन कर दीजिए, एंड इसके बाद आपके फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। एंड गाइज यहीं पर हमारा ट्यूटोरियल एंड होता है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, आजकल लाइक आप बहुत कम कर रहे हो तो फिर लाइक करके जरूर जाना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।